कि आपने ना मंदिर दिखाए, आप चर्च नहीं दिखाया, आपने गुरुद्वारा नहीं दिखाया क्योंकि बैसाखी थी, आपने ना मस्जिद नहीं दिखाया, आपने इलेक्शन नहीं दिखाया। ये वीडियो तब आएगी, वीडियो आएगी। तो कैसे हो दोस्तों, आपस में आप लोग के बीच आ चुका हूँ एक नए वीडियो को लेकर। आपको याद होगा एलविश यादव वर्सेज मृदुल मधौ के कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसके बारे में वीडियो बना बना कर हम लोगों ने काफी ज्यादा व्यू लूटा था। तो लगता है दोस्तों वो कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मृदुल मधौक ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील्स वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कुंभ मेले के बारे में बात करते हुए लिखा था कि यहाँ पे कोरोना के कोई रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसके बाद काफी लोग उनसे नाराज नजर आ रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे कि आपने टेम्पल के बारे में ही क्यों बोला, चर्च या इलेक्शन ये सब के बारे में क्यों नहीं बात की। देखिए इसका रिप्लाई देते हुए आज मृदुल मधौक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या कुछ डाला, एंड दोस्तों इसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस पर एलविश यादव एंड सम्राट भाई का क्या कुछ रिएक्शन था। आपने ओ माय गॉड मूवी देखी है, बट उसमें क्लियरली ये बता रखा है कि हमें ना अपने रिलीजन, अपने भगवानों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैसिव पावर है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको ये चीज मैं क्लियर पहले ही कर दूं। सेकेंडली यहाँ पे कुछ ऑफेंड ये हो रहे हैं कि यार आपने ना टेम्पल्स को टारगेट करा, आपने चर्च या फिर गुरुद्वारा या फिर मस्जिद नहीं बोला। अरे तुम्हें मैसेज नहीं समझ आ रहा क्या? मैं मैसेज तो सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि मास्क पहनो अगर इतनी बड़ी गैदरिंग में जा रहे हो। इतनी बड़ी गैदरिंग करनी क्यों है? 1.5 लाख से ऊपर केसेस हो रखे हैं। बट नहीं, तुम्हें ये पॉइंट नहीं समझ आएगा, कि तुम्हें आएगा ये पॉइंट समझ कि आपने ना मंदिर दिखाए, आप चर्च नहीं दिखाया, आपने गुरुद्वारा नहीं दिखाया क्योंकि बैसाखी थी, आपने ना मस्जिद नहीं दिखाई, आपने इलेक्शन नहीं दिखाया। मतलब क्या हो रहा है यार, तुम क्या पॉइंट होता है, क्या समझते हो, क्या एग्जीक्यूट करते हो और एग्जीक्यूट भी नहीं करते। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको वो इंस्टाग्राम वीडियो जिसके कारण यह कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट होने जा रही है, एंड काफी लोग जिसके कारण गुस्सा कर रहे हैं। तो उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों काफी लोग मृदुल मधौक के इंस्टाग्राम रील वीडियो के नीचे कमेंट करके उनके अनफॉलो करने को एंड उनको रिपोर्ट करने की बात करे। तो देखिए उनके बारे में बात करते हुए मृदुल मधौक ने क्या कुछ कहा। मैंने रील पोस्ट करी अभी, इन भाई का ना एक्चुअली कमेंट ही आ रखा था इसको रिपोर्ट करो और ब्लॉक करो। भाई ने वैसे खुद फॉलो कर रखा है, ऐसे कलाकार लोग बहुत है, ये अभी आपको बता रहा था अनफॉलो करो इसको, और भाई ने खुद फॉलो कर रखा है मुझे। ऐसे और भी कलाकार लोग हैं जो मैंने रिसेंटली अभी देखे अपनी रील रिसेंटली पोस्ट करते हो कि लोगों को लगा कि मैंने ऑफेंड कर दिया उनका रिलीजन। यहाँ पे आपको एक और भाई मिल जाएगा, सब इनको अनफॉलो करो, और भाई ने खुद फॉलो कर रखा है। अब आपको दिखाते हैं कि सम्राट भाई एंड एलविश यादव ने इस पर क्या कुछ रिएक्शन दिया। दोस्तों सम्राट भाई ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मृदुल मधौक को टैग करते हुए लिखा, गर्मी बढ़ रही है ना मृदुल मधौक, शांत करवाई जाए। एंड एलविश यादव ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मृदुल मधौक को टैग करते हुए लिखा, मृदुल भैया लगता है आपको अलविदा कब बोलने का टाइम आ गया। तो दोस्तों इसको देखकर लगता है कि बहुत ही जल्द इन दोनों का रोस्ट वीडियो आने वाला है मृदुल मधौक के लिए। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में अपडेट जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और दोस्तों एलविश यादव ने बताया कि आज उनका एक नया वीडियो आने वाला है जो कि स्टूडेंट के लिए होगा, एंड इससे पहले ही CBSE ने भाई अपडेट दे दिया कि 10th के जो एग्जाम है वह कैंसिल हो चुके हैं एंड 12th के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। तो देखिए इसके बारे में बात करते हुए एलविश यादव ने क्या कुछ कहा। अपनी वीडियो से पहले बोर्ड कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया बात है, पर यार वीडियो तो मैंने बना रखी है, वीडियो तब आएगी, वीडियो आएगी और कल आएगी भाई, देख लेना उसको, ठीक है ना। उसमें बोर्ड के अलावा भी चीजें हैं यार, जरूरी थोड़ी सारी चीज बोर्ड के अलावा, बट अभी भी 12th के कैंसिल नहीं हुए तो उसके ऊपर भी है। एलविश यादव की तरह ही आशीष चंचला ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखिए क्या कुछ डाला है स्टूडेंट के लिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड दोस्तों आशीष चंचला ने बताया कि फिर से लॉकडाउन लगने के कारण सारी शूट कैंसिल हो चुकी है, एंड उन्होंने लोगों से पूछा क्या आपको घर के अंदर का ही वीडियो चाहिए, यानी कि इंडोर शूटिंग की ही वीडियो चाहिए, तो आप लोग उनको कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।